अर्जी हाथों अर्जी अर्जी हाथों मेहर आ जाती है सरब के घर और माफी वगैरह मांगती है, लेकिन यहाँ पर सरब की माँ माफ नहीं करती है और भाई वो हाथ वगैरह काट लेती है, अपना चाकू लेकर आती है साथ में और नस काट लेती है। अब वो पूछ भी रही है सरब से कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है और तुम्हारी माँ की बेइज्जती भी की। तो यहाँ पर भाई सरब तो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उसकी माँ जो मुन्नी है ना वो बोल देती है कि नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तुझे मरना है तो मर जाओ। और यहाँ भाई एकदम से ना जो मेहर है वो बेहोश हो जाती है, मतलब उसकी मौत तो नहीं हो रही लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और यहाँ पर उसको सपना हॉस्पिटल वगैरह ले जाएंगे और देखते किस तरीके से यहाँ पर हानि और सरब उसको बचाएंगे। भाई हुआ ये था ना कि यहाँ पर मेहर ने लगा दिया था बड़ा इल्जाम सरब के ऊपर, सरब को बोल दिया था कि भाई तुमने चोरी वगैरह की है। यहाँ पर सगाई के लिए भी सब लोग खड़े हुए थे और वो सगाई की थाली वगैरह भी फेंक देती है और उस पर इल्जाम भी लगा देती है और उसको बोलती भी है कि भाई मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। यहाँ उसने उसकी माँ की बेइज्जती भी बहुत की थी, मैंने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पड़ोसी वगैरह उसकी मजाक भी बना रहे हैं कि भाई देखो किस तरह की बहू लेकर आई है और ये तो इसका जीना हराम भी कर देगी। और यहाँ पर वो कार्ड वार्ड लेके भी मेहर ने उसके मुंह पर डाल देती है। तो यहाँ पर उसकी माँ ने ना शर्त भी रख दी थी कि अब तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सरब को भाई ये लग भी रहा था कि अगर मैं इसको बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो यहाँ मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी। तो सरब ना बड़ा दुविधा में था कि मैं क्या करूं, मैं मेहर का साथ दूं या माँ का साथ दूं। लेकिन ये आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर जो मेहर की हालत बहुत खराब है हॉस्पिटल वगैरह में उसको भर्ती किया गया है और सरब को थोड़ा सा प्यार तो आ रहा है उसके ऊपर लेकिन यहाँ बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर उसकी माँ ने बोल भी दिया है कि अब तुम इस लड़की से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखोगे। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है, यहाँ पर जो सरब है उसको माफ करता भी है कि नहीं और यहाँ पर मेहर क्या करती है, मेहर का क्या अगला स्टेप होगा। और यहाँ पर अभी तो ऐसे लग रहा है कि मेहर को अपनी गलती महसूस हुई है और इसी वजह से उसने हाथ वाथ काटा है सरब से माफी मांगने के लिए। या ये भी हो सकता है कि मेहर भाई नाटक कर रही हो, क्योंकि मेहर बहुत ईगोस्टिक है ना और किस तरीके से भाई हानिया ने उसको थप्पड़ वगैरह मार दिया था सरब के लिए, तो यह हो सकता है कि भाई वो सरब को फंसाना भी चाह रही हो।